चावल्स और क्या था चावल और था, तो हो सकता है मधुर विपा जाना हो और चंद्रा भी आ सकती है, लेकिन मैं आपको सोने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं सोने दूंगा। आपकी नींद उड़ गए, ओके सर। कुछ हम प्रस्ताव नहीं करते हैं, उसके नाम से करते प्रस्ताव। अब तक जो मैंने पढ़ा बताया है इस पर कोई किसी को प्रकाश डालना है और या प्रश्न पूछना है, नहीं समझा है तो भी आप पूछ सकते हो। 5-10 मिनट में यदि मैं शुरू नहीं करूँगा तो लोग आएंगे, और लोग आने तक मैं रुकूँगा तो लोग सो जाएंगे। अभी आए सर आए नहीं है इसलिए मैं आके बैठा हूँ, लेकिन सभा का नियम ऐसा है कि जब तक सबका भोजन नहीं होता है तब तक शुरू नहीं करेगा, इसलिए तब तक हम क्या करेंगे, शुरू तो करेंगे लेकिन अन्य कुछ विषय जो आप सुबह से अब तक जो हमने बताया इसमें आपको क्या समझा, कुछ समझा क्या समझा पहले इसमें Can you explain what you understood during the first lecture? What was something new I learned? What is it? Sir, you said Tantra Yuktis are important. But why you just explained in the last? You said they taught many Tantra Yuktis, you are not supposed to read Shastra. But why you said explain in the last? Explain? In the last. In the last. Okay. I will not explain the Tantra Yukti, but I will show you how to use the Tantra Yukti. What is the meaning of Tantra Yukti and how to use it? Where to use it? That I will explain. Where? Tantra Prashna Sir. Ki wohi Tantra Yukti jo maine kya hai. Achha, why given in the last? Okay. Why given in the last? Because Harikvajan years ago, 16, education system was quite different. They used to learn basic sciences, that is Padartha Vijnan, Vyakarana, Mimamsa, Tatva Shastra, and then come for science, particular science. So basically Sanskrit they used to know first, with Sanskrit Tatva Shastra, or व्याकरण शास्त्र अन्य शास्त्र तो उन्हें पहले तंत्रयुक्ति अपने आप को रहते थे। क्यों? कि तंत्रयुक्ति एक चरक का नहीं है, तंत्रयुक्ति एक सुश्रुत का नहीं है, तंत्रयुक्ति चाणक्य का नहीं है। तंत्रयुक्ति उस काल में जितने भी संस्कृत ग्रंथ लिखे गए उनके लेखन शैली में इन तंत्रयुक्ति का प्रयोग प्रारंभ से ही होता आया है, और उस तंत्रयुक्ति को फिर शास्त्र के रूप में विकसित करके करके कहीं ना कहीं उसको एक बार लिखा गया। जैसे कोई मंत्र हम पढ़ते हैं, उस मंत्र में तंत्रयुक्ति है। जैसे ऋग्वेद में सहस्त्र शीर्ष पुरुष ऐसा वर्णन है, सहस्त्र शीर्ष पुरुष पुरुष सहस्त्र शीर्ष है, पारो सहिष्णा भूता है उसके पैर है, महाभूत उसके पैर है। इस प्रकार को दृष्टांत देकर इस विश्व की रचना का वर्णन किया है, ये तंत्र है दृष्टांत तंत्र। इस प्रकार सभी शास्त्रों में तंत्रयुक्ति का प्रयोग होता आया है और उस आधार पर ग्रंथ लिखे जाते हैं, और
जब भी ध्यान में आया कि ऐसे ग्रंथ का तो ग्रंथ के इसका प्रयोग तो किया जाता है, फिर उसका भी शास्त्र किसी ने बना दिया तंत्र युक्ति करके। तो ज्ञात साधनों में चाणक्य ने पहले लिखा ज्ञात साधन में, हो सकता है पहले किसी ने लिखा, लेकिन चाणक्य ने उसका वर्णन विस्तार से किया है, उसके बाद सभी ग्रंथों ने किया अपने ग्रंथों भी है। अब इस ग्रंथयुक्ति का उपयोग करना है, इस बात को कहीं ना कहीं लोग भूल गए बीच में, क्योंकि पढ़ाने वाले तो से लिखते थे पढ़ते पढ़ाते थे, लेकिन जब ये परंपराएं खंडित होने गई नहीं, तब जाकर पढ़ाते समय भी तंत्रयुक्ति का प्रयोग क्षीण होते गया। जब ये प्रयोगशी होते गए तो किसी को ध्यान में आया कि इसको कहीं ना कहीं लगाना चाहिए, इसलिए किसी ने उसको ग्रंथ में ऐड कर दिया तंत्र युक्ति को, इसलिए वो अखिल नहीं थे, क्योंकि ये ज्ञान था कि सबको तंत्र युक्ति आती है, लेकिन अपनी परिस्थिति ऐसी कि तंत्र युक्ति इसको संस्कृत नहीं आता, तो अभी आवश्यक हो गया कि संस्कृत तो आखिर में लिखने के पहले पहले लिखा जाए। By reading a shloka, how to understand which tantra yukti is to be applied? It requires to develop ourselves. For example, shloka number 58 nikala, sutra sthan chapter 1. Sab log aaye nahi? Haan aaye. माइक है ना आपके पास, पढ़ो माइक, कोई डर घबराना नहीं है, गलती सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। रुक्ष शीतो लगे कृष्ण चलो अथवा विचारा करा विपरीत गुणे द्रव्य मारुत संप्रशान। अब देखिए मारुतः प्रशान्यत विपरीत गुण ही मारुतः प्रशान्यति, विपरीत गुण ही मारुतः प्रशान्यति, मैं तीन बार कहूंगा विपरीत गुण ही मारुतः प्रशान्यति, विपरीत गुण ही द्रव्य मारुतः प्रशान्यति, राइट। अब विपरीत गुण ही मारुतः प्रशान्यति, इस शब्द में विपरीत शब्द का अर्थ क्या है? ह्रास हेतु, राइट, यानी वायु के गुणों का ह्रास करके वायु शांत होता है, राइट। शांत जो होता है वो कैसा होना चाहिए? विपरीत, जो शांत हो रहा है विपरीत द्रव्यों से, इसका विपरीत क्या होगा? समान द्रव्य से उपरा हुआ है, देखिए विपरीत क्या है? विपरीत कौन से शांत होता है? विपरीत क्या हुआ? सामान्य वृत्तिकरण, राइट। विपरीत गुण ही सामने थी, इसका अर्थ क्या हुआ? समान गुण से वृद्धि होती है। अब हमें यह देखना है हम विपरीत गुण से इसका ह्रास कर रहे हैं वो बढ़ा हुआ है, और हम प्रशान्यति शब्द का प्रयोग कब करते हैं? उपयोग के लिए करते हैं, राइट। इसका अभिप्राय यह हुआ विपरीत गुण से शांत हुआ है, इसका अर्थ समान गुण से बड़ा है, इसका अर्थ समान गुण के हेतुओं से प्रकृतित है। एक विपरीत द्रव्य लगाई, दूसरा वृद्धि यानी प्रकोप, ये उहन किया हमने, क्योंकि शमन किसका करेंगे? प्रकोपित क्या करेंगे? सामान में तो शमन नहीं करेंगे ना। इसका अर्थ ये हुआ समान गुणाभ्यास से दोषों के गुणों की वृद्धि होना, यही प्रकोप है।
यहाँ पर उहम तंत्र उसकी लगाई है, मैंने विपर्या लगाई थी। विपर्या कैसे लगाई है? समारोह बड़ा कैसे रुद्धि होती है, रुद्धि होती का इसका अभिप्राय कुपित होती है, इसी में शमन किया तो शमन भी करते क्या रहस्य करना, यही शमन है। देखिए बराबर पेज नंबर 79, पेज नंबर 79, सूत्र नंबर 6, 5 और 6, 5 में आखिरी लाइन, समान गुणाभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम। तत् श्रुत्वा वाक्यम कुमारशिरा भरद्वाजो वाच एवं एतद् यथा भगवान आह एत एव वात गुणा भवन्ति सतु एवं गुणैः। देखिए एवं द्रव्यैः एवं प्रभावैः च कर्मभिः अभ्यस्यमानैः वायुः प्रकोपम् आपद्यते। देखिए क्या शब्द का वृत्ति है, वायु प्रकोप, समान गुण अभ्यास से वायु प्रकोपित होता है, उसी प्रकार समान गुण के अभ्यास से धातु वृद्ध होते यानी कुपित। ये तंत्रोक्ति के आधार पर प्रकोप की व्याख्या निर्माण की है। प्रकोप यानी क्या? समान गुणाभ्यास से द्रव्यों दोषों के गुणों की वृद्धि यानी प्रकोप। ये तंत्रोक्ति के आधार पर आपको वन तंत्रोक्ति विपर्य तंत्रोक्ति समझे, इस प्रकार तंत्रोक्ति आपको लगानी है, हर जगह लगानी है। दूसरा उदाहरण देखो, अध्याय एक सूत्र स्थान का सूत्र नंबर 62, विपरीत गुणैहि देश मात्रा काल उपपादितैहि भेषजैहि विनिवर्तन्ते विकाराः साध्य सम्मताः। अभी श्लोक का अर्थ लिटरली मीनिंग क्या हुआ? विपरीत गुण से देश काल का विजय करने से साध्य विकार शांत होते हैं, राइट। इसमें एक वाक्य और बीच में रुका है, अनटोल्ड सेंटेंस है, अपेक्षित है लेकिन लिखा नहीं है। अब हम देखेंगे इस सूत्र का पिछले तीन श्लोकों से क्या संबंध है। तीन श्लोक कैसे आए? पहले विपरीत गुण ही मानव कहा प्रचालन थे, विपरीत गुण ही उत्तर प्रचालन थे, विपरीत गुण ही देश का प्रचालन थे। ये तीन श्लोक लिखने के बाद फिर लिखते हैं, विपरीत गुण ही द्रव्य ही देश का उत्पादित ही। पहले क्या होगा? ऊपर के तीन श्लोकों का अर्थ विपरीत किसके? विपरीत गुण इन तीनों का अधिकरण दोषों के शमन का है, इसको कहते हैं अधिकरण। पहले तीन श्लोक किसके हैं? दोष शमन के हैं। उस दोष शमन के बाद विपरीत गुण के वो कहते हैं विपरीत गुण यही कर ये ही, इससे दोषों का शमन होता है और दोषों का शमन होने का प्रभाव यह है कि साध्य सम्मता विकारा निवर्तन्ते, साध्य विकार स्वयं शांत होते, भले इसकी चिकित्सा करो न करो। ये उहन तंत्र पहला वाक्य क्या है? विपरीत गुण ही, उससे क्या होने वाला है? दोष शांत होने वाले। और पहले क्या? विकार शांत होकर, दोष शांत होकर विकार शांत होते हैं, वहन तंत्र है, राइट। ये आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, या तो किसी ने इस प्रकार पढ़ाना पड़ता है, या तो अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, या तो किसी ने चक्रपाणि के समान एक एक श्लोक पर टीका लिखकर यहाँ पर तंत्रयुक्ति लगानी है, यहाँ पर तंत्रयुक्ति लगानी है, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी।
स्पून फीडिंग करना पड़ेगा और स्पून फीडिंग से मंद होता है, बुद्धिमंद होती है। उसको अपने आप करो, प्रयास करो, अपने आप तो आप डेवलप हो जाओगे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई कभी बताएगा नहीं, कभी ना तो बताएगा, एक आध उदाहरण बताएगा नहीं, लेकिन आपको सब उदाहरण नहीं बता सकता हूँ। तो सब उदाहरण आपको इमर्ज होना है अपने आप को, इसलिए उसका एक ध्यास होना चाहिए। मुझे ये करना है, एक एक वाक्य का अर्थ कैसे हो सकता है उसका उन्हें करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया, तंत्रोक्तम विधिवास्तुतः ज्ञात्वा वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर सामान्य के विषय चमते गुणन गर्णाने कर्म से ज्ञात्वा, इसका अर्थ क्या लगाना है? इसका अर्थ यह है कि सृष्टि के हर वस्तु का अपने शरीर से संपर्क आता है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका विपर्य या ह्रास या वृद्धि, इसका उन्होंने अभ्यास किया। किसका अभ्यास किया? पंचभूतों का अभ्यास किया। पंचभूत कहां पर है? सृष्टि में। तो पंचभूतों के समाप्त से स्पर्श से यदि पंचभूत की गुणों की वृद्धि होती है और सेवन से नाश होता है, इन्होंने अभ्यास किया। अब ये जो मैंने अर्थ निकाला, इसको कहते हैं तंत्र युक्ति। समग्र शास्त्र का अध्ययन करने के बाद ये तंत्र युक्ति अपने आप प्रश्न यही मुझे पहले प्रश्न पहले पड़ा कि उन्होंने ज्ञात परि सामान्य कृषि गुण विज्ञानी ज्ञात का अपना अर्थ इतना है कि केवल सामान्य का अर्थ समझे, विशेष का अर्थ समझे, गुण का कितने समझेंगे? नहीं, सामान्य जो विशेषण जो गुणम गुजरने कर्म जो ज्ञात हुआ, किसका? सृष्टि का शरीर के साथ, क्योंकि सामान्य वृद्धि कारण रासे को विशेष प्रवृत्ति भविष्य को, ये प्रवृत्ति भविष्य को टीका लिखे आपने शुरू। अब ये वाक्य यदि मैं नहीं पढ़ता तो मुझे इसका अर्थ नहीं लगता। ये वाक्य समझने के कारण मुझे इसका अर्थ लगा। अपने आत्मा का अभिप्राय क्या है? अपने संपर्क में आने वाले हर पदार्थ का सामान्य विशेष समझ लिया उन्होंने, इसलिए तो ऋतु का बताया ना, विश्व में क्या होता है, वसंत में क्या होता है, वसंत में श्लेष्मा पिघलता है, अग्निमान जो होता है व्याधि करता है, इसलिए वृक्ष करो, इस विशेष समझा, सामान्य समझा और विशेष की चिकित्सा बताई। ये तब समझ में आता है जब पूरा शास्त्र आप पढ़ोगे, और वो भी क्लिनिशियन ग्रंथ पढ़ोगे, साहित्यिक ग्रंथ नहीं पढ़ोगे। साहित्यिक समझ में लिटरेचर शास्त्र समझ के उसका अध्ययन करो। आपको समझ रहा है? और मैं इतना जो कह रहा हूँ, ये चरक कई बार 1985 से चरक में पढ़ा रहा हूँ, तब जाकर मेरे दिमाग में कुछ ट्यूबलाइट जल रही है, धीरे 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 एक पीछे का अकल हो रहा है, इसके समझ देखते हैं। तो अब तो इसे आसानी से हो जाता है, कोई श्लोक सामने आया तो इसका समझ क्या जान लें, मैं बता दूँ क्या इतना प्रगत आप अपने आप को कर सकते हो, लेकिन क्या चाहिए? वो धूल लगनी चाहिए। शास्त्र पढ़ना है तो क्या होना चाहिए? डिवोशन चाहिए। जीवन अपना शास्त्र के लिए है, इस भावना से जीवन करना चाहिए, और इस पर यह भावना निर्माण करने के लिए कोई गुरु चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे गुरु थे। मैं एक बार मैं जेमस हो गया और एक अलग अलग डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करने के लिए गया, 6 महीने प्रैक्टिस किया और फिर एक स्लम एरिया में जगह ली और दुकान तक डालने वाला था मैं, बस अब दुकान में अलग अलग प्रैक्टिस कर लिया। एक मेरे देश के मित्र और कहने लगे तो क्या करने वाला है? देश के मित्र ने आज उनकी उम्र 90 है, मेरे से कितने बड़े होंगे 20-25 साल तक, उन्हें कहा क्या करना है? उन्हें कहा क्या कर रहा हूँ, कैसी कर रही है, अलग कर रहे हैं। उन्होंने लंबी सांस छोड़ी और कहने लगे, मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं है। अधिकारी पूछते, फिर क्या अधिकार है? आप इसी शास्त्र को प्रकट करो,
इसको समझोगे, इसको उन्नत करोगे, समाज में उसका उपयोग करोगे, अच्छे अध्यापक बनाओगे, अच्छे टीचर बनाओगे, अच्छे प्रैक्टिशनर बनाओगे, अच्छे प्रैक्टिस करोगे, यह अपेक्षा है। उन्होंने चालू हुआ नहीं। उसी दिन मैंने डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया और जो जगह वगैरह ली थी वो सब बिता दिया और सीधा हमारे कॉलेज में गया। उन्होंने किसी को कहा मुझे हॉस्टलशिप करनी है, वहाँ पर हॉस्टलशिप करने गया। फिर वहाँ से मेरा लाइफ जो बदल गया वो आज आप देख रहे हैं। समझ गया, कोई ना कोई चाहिए, मैं वो काम करता हूँ। आपको चाबी देने का, मराठी में चाबी देने का कहते हैं, दिल लिख आपको प्रोत्साहित करने के लिए। ये जीवन शास्त्र के लिए, जीवन तो सब लोग जीते हैं, शास्त्र के लिए कौन जीता है? 100 में से एक को निकले नहीं, मैं शास्त्र लूंगा, इस प्रकार करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, पूरे विश्वास के साथ करूंगा। और सुलभ यह है मेरा कि 10 साल में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस अच्छी तरह से करने वाले कम से कम 10 छात्र तो पैदा हुए ही। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस विद फुल कॉन्फिडेंस रिमोट एरिया में करते हैं और सुखी है। कुछ तो ऐसे उनमें हैं कि जो केवल देह में से, ये हो सकता है, ये हो सकता है। वृक्ष वाले से काम नहीं बनता है, शास्त्र समझो। इसलिए पूरे शास्त्र का अध्ययन करना है, तंत्र के अपने आप समझ में आ जाते हैं। अपने बालक के बच्चों के लिए माननीय पटवर्धन जी ने व्याख्यान दिया, वो सुना आपने? उन्होंने कहा आप परीक्षा की तैयारी करोगे, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। आप शास्त्र पढ़ते जाओगे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पास तो होने वाले हैं जी, कौन रोकता है अपने पास होने से? ये बात क्यों हो जाए? आप अध्ययन करो, विषय समझ लो, रटन पट्टी मत करो, क्वेश्चन कौन सा आया था कौन सा नहीं आया ये मत देखो, आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पास तो होने वाले गया क्योंकि अपने नॉलेज बताइए। इस प्रकार शास्त्र पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अनुभव लेते रहो, अपने आप अपनी जाओ, उत्तम प्रैक्टिस लगाओ, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मैं आपको ये बताऊँ, किसी को बताना, मेरा एक विद्यार्थी है जो होमोपैथी की डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता है, पंचकर्म के साथ, साइंस तो तैयार था, मेडिकल साइंस, दोष कल्पना समझ गया, हेतु समझ गए, अवस्था समझ गए, पंचकर्म सीख लिया, आज प्रैक्टिस करता है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता है। अभी उसकी और प्रैक्टिस शुरू करके 2004 से लेकर आज तक कितने साल हो गए, प्रैक्टिस करता है, देवेश भी नहीं है, शास्त्र समझना चाहिए। चलो अपने मूल विषय पर आए, व्याख्यान बहुत हो गया, समझ गए? आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, चरक पढ़ना है, सुसंस्कृत पढ़ना है, काश्यप पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, अष्टांग पढ़ना है, जीवन भरा हुआ है शास्त्र अध्ययन, आपके रग रग में शास्त्र होना चाहिए। मुझे किसी ने कहा आप रिटायर हो जब क्या करो, मैंने कहा रिटायर कैसे हो सकता है, मेरे कंटेंट में आयुर्वेद भरा हुआ है, रिटायर हो नहीं सकता। मैं श्वास भी आयुर्वेद है मेरा, प्रत्येक स्पंदन में आयुर्वेद है, मैं रिटायर हो नहीं सकता। इस प्रकार आप करो, मुझे लगता है आने वाले 10-20 साल में उत्तम प्रैक्टिशनर आपने से भी पैदा होने में कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, मुझे विश्वास है। बस रखते आपने वो ये चाहिए, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट चाहिए, जोश चाहिए, वो आना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, समय मिला तो करेंगे, समय मिला तो करेंगे, नहीं, समय निकाल कर करना, कनशाह कनशाह
विद्या अर्थम तो सारे विद्या और अर्थ क्षण क्षण लेना लाइक एंजॉय करने के लिए है एंजॉयमेंट की व्याख्या कर लो आई एम एंजॉय माई लाइफ मैं मेरी डेफिनेशन ऑफ एंजॉयमेंट इज क्वाइट डिफरेंट माई डेफिनेशन इज क्रिएशन इस पर लाइफ एंजॉय करो लाइफ एंजॉय करना या यूजलेस वर्क करना सीरियल देखना होटल में जाना पब में जाना इज इट एंजॉयमेंट इज द यूजलेस एंजॉयमेंट नथिंग फॉर एवरीथिंग और हमारे देश में ये परंपरा पता नहीं कहां से आई है एक देश ऐसा है कि जहां पर बचपन से लेकर 25 साल तक गुरुकुल में रहकर अभ्यास करता था आज 12-10 के बाद में वो ये व्हाट्सएप लेके गम करते मारते रहता है पढ़ाई का नाम नहीं है पता नहीं कहां से गया नहीं तो फिर पिक चले जाता छोटे बनवा कर We are missing something. सर लोग आगे कोई आने की बात नहीं वो नीचे पर है नहीं बोल रहे हम लोग देख रहे थे विजय परमारा है अपने से छात्र ने मुझे कहा अभी कि आपने विधेय परमा जो वाक्य तो बोल दिया उसका अर्थ नहीं पता मैंने कहा ठीक है बताओ विधेय परमादा का एक अर्थ है ग्रंथ को अच्छी तरह से सूखे में सुवर्ण के आवरण में बंद करना कपाट पर रख देना रोज उसकी पूजा करना उसको इसलिए बोल रहे ये एक पद्धति दूसरी पद्धति शास्त्र पढ़ना समझना और प्रतिक्षण प्रयोग करना उसका समझते हुए बिना समझे नहीं करना उसका नाम अनुष्ठान पाठ अवबोध और अनुष्ठान ये टीका है अष्टांग हृदय की अरुण दत्त अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 2 उसकी टीका तेषु परमादरः पाठ अवबोध अनुष्ठान रूप उत्कृष्टः यत्नः कार्यः यत्न शब्द का अर्थ समझ गया यत्न शब्द का अर्थ कंटिन्यू प्रयास ये नहीं है कष्ट करना है चेष्टा करना है यत्नस्तु कार्यम प्रयत्नस्तु कार्यम प्रयास की मराठी में और हिंदी में प्रयास अर्थ ले जा रहे वो अर्थ नहीं है संस्कृत साहित्य में प्रयत्न शब्द चेष्टा के लिए है क्रिया के लिए है कर्म के लिए है चिकित्सा के लिए है इसलिए चेष्टा करनी है चेष्टा यानी मजाक करना ये भी अर्थ होगा वो कर रहे हैं आयरन के मजाक कर रहे हैं लेकिन चेष्टा यानी समझ कर अनुष्ठान करना अब हम देखेंगे आगे कि शास्त्र निर्माण की प्रक्रिया में आपने ये तो देखा प्रत्यक्ष के आधार पर किया है क्या कहते हैं उसको प्रत्यक्ष एविडेंस बेस्ड देख लिया हमने अब देखना है हमें इन्होंने कितनी तरह की परीक्षा की होगी बहुविधम परीक्षा लिखा है ना वो भी समझना आवश्यक है बहुविधम परीक्षा नहीं तो बहुविधम परीक्षा हो गया यानी क्या किया पता नहीं क्या नहीं ग्रंथ में लिखा है
कहते हैं योग, इसको कहते हैं योग तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति का नाम है योग तंत्र युक्ति। बिखरे हुए संदर्भों को सिरे से लगाना, संदर्भ है बिखरे हुए हैं उसको क्रमशः लगाना और एस्टेब्लिश करना, कोई क्या कहते हैं प्रतिज्ञा बनाते हुए उसको एस्टेब्लिश करना अनुभव। यही प्रक्रिया अनुमान की है। यही प्रक्रिया कोई आप ये करते हो, सिद्धांत प्रस्तावित करते हो, प्रतिज्ञा करते हो और वो क्रमशः शुद्ध करके श्रीमान स्थान में लिखा है, उसको उस पद्धति को भी योग कहते हैं। और समग्र शास्त्र में जो संदर्भ है, भिन्न भिन्न संदर्भ है, उनको इकट्ठा करके विषय प्रस्तावित करना, इसका नाम योग तंत्र युक्ति है। और ये जो तंत्र युक्ति हमको लगानी है, ये बड़ी अच्छी तंत्र युक्ति है। ये हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो हमें किसी ने बताया नहीं है कि तंत्र युक्ति लगाकर पढ़ना है। ये योग तंत्र युक्ति से आप शास्त्र पढ़ोगे तो देखो कितना मजा आता है। देखिए उदाहरण देखेंगे, जैसे आपने कहा एक तंत्र युक्ति लगा के बताओ हमको, एक पता तो कैसे लगाना है। श्वास निकालो, श्वास अध्याय, चिकित्सा स्थान। मेरा प्रयास है कि आपको नींद आए, नया नया आपको समझ में आ रहा हो, दिमाग को कुछ कष्ट हो तो नींद चली जाएगा। दिमाग को कष्ट नहीं हो तो नहीं अपने आप छपक आ जाए, दिमाग को कष्ट दिया तो नहीं आते। योग त्यानंतर प्राणोदकांना वाहिनी प्राणोदकांना वाहिनी आणि हे त्यानंतर श्रोतांचे श्वास चिकित्सा अध्याय सूत्र क्रमांक 17 17 बाय 17 चिकित्सा स्थान। मारुता प्राणवाहिनी श्रोतांसी आविष्य कुप्यति उरस्थ कफ मुद्दूय हिक्का श्वासान करोति सहा। केवल श्वास का प्रयोग करेंगे भी हिक्का का नहीं करेंगे, समझने में आसान है। पहला वाक्य क्या है? मारुतः प्राणवाहिनी, प्राणवाहिनी आविष्य, वायु प्राण में प्रवेश करता हुआ कफम उद्धूय, ऐसा है। आगे चलेंगे, उरस्थ कफ मुद्दूय हिक्का श्वासान करोति। एक सामान्य सूत्र है ये, अंतिम सूत्र है संप्राप्ति का। अब इस अंतिम सूत्र को पहले उन्होंने पहले बताया और अन्य सूत्रों को आपको यहां उसके ऊपर ऊपर रखना है और फिर ये तैयार करना है। ये अंतिम है, श्लेष्मा लेकर, श्लेष्मा को लेकर वायु प्राणों में आया, ये अंतिम संप्राप्ति है। पर इसके पीछे संप्राप्ति और है और उस संप्राप्ति को समझने के लिए आपको सभी श्लोक संबंधित श्लोकों को क्रमशः लगाना है। अब देखिए आगे श्लोक है 21 प्राणोदकान्न वाहिनी श्रोतांसी सकफो अनिलाहा हिक्का करोति संवृद्ध्य तासाम लिंगम प्रत्यक्षण। क्या लिखा है? प्राणोदकान्न वाहिनी संवृद्ध्य, प्राणवह में अवरोध, अन्नवह में अवरोध, उदकवह में अवरोध, यह संप्राप्ति की प्रथम अवस्था हो सकती है। श्वास प्राणवह में व्यक्त होता है लेकिन प्राणवह में व्यक्त होने के पूर्व संप्राप्ति का प्रारंभ हो सकता है उदकवह में हो। अब उदकवह शब्द से अर्थ लेने के लिए उसका भी विस्तार आपको करना पड़ेगा।
चारी स्थान अध्याय छे सात सात चारी स्थान अध्याय सात सूत्र क्रमांक 15 शारीर 7/15 पेज नंबर 339 तस्य उंगलया उदकस्य सबको मिल गया सूत्र दश उदकस्य अंजलयः शरीरे स्वेन अंजलि प्रमाणेन यत्तु प्रश्चवमानं पुरीशं अनुबध्नाति अतियोगेन तथा मूत्रं रुधिरं अन्यांश शरीर धातुन करके मूत्रं रुधिरं अन्यांश शरीर धातुन यत्तु सर्व शरीरचरं बाह्यात्मक विभर्ति यत्तु त्वगंतरे व्रणगतं लसिका शब्दं लभते यच्च उष्मणा अनुबद्धं लोमकूपेभ्यो निष्पतत स्वेद शब्दं अवाप्नोति तद उदकम दशांजलि प्रमाण ये सब उदक है ये उदकों की व्याप्ति है अब इनमें से किसी भी श्रोतस में अवरोध होने की संभावना है उसका परिणाम श्वास होगा हो सकता लसिका वमन हो सकता रक्त वमन हो सकता रसवा में हो सकता आर्तवा में हो सकता मूत्रवा में कहीं ना कहीं अवरोधात्मक संप्राप्ति इनमें बन गई ये संप्राप्ति का प्रारंभ हो सकता है श्वास संप्राप्ति का प्रारंभ वहां इसलिए क्या लिखा उन्होंने प्राणों का नव अध्याय 20 सूत्र नंबर 16 चिकित्सा स्थान अध्याय 20/16 पेज नंबर 556 पेज नंबर 556 विट स्वेद मूत्र अंबुवाहानी वायुः स्रोतांसि संवृद्ध यदा ऊर्ध्वमेति उत्सन दोषस्य समाचितं तं दोषं समुद्धूय नरस्य कोष्ठात् विन्मूत्रयोः तत् समवर्णगन्धं तृष्वास हिक्कार्तियुतं प्रसक्तं प्रश्चर्दयेत् मूत्र वह में स्वेद वह में उदक में अवरोध हुआ तो क्या होता है तृष्वास हिक्का श्वास ही होता है अभिव्यक्ति कहां पर है प्रारंभ संप्राप्ति कहां हो रही है मूत्र वह में उदक वह में लसिका वह में स्वेद वह में रस वह में रक्त वह में अन्य किसी द्रव धातु में हो रही है इस संप्राप्ति का प्रधान अभिव्यक्ति प्रारंभ अब देखिए स्वास्थ्य श्वास चिकित्सा अध्याय सूत्र नंबर 122 पेज नंबर 538 श्वास चिकित्सा सूत्र नंबर 122 उदीर्यते वृषतरम मार्ग रोधात वह जलम बस एक वाक्य बनाया क्या बनाया उन्होंने उदीर्यते फल कराता है बढ़ता है कौन वह जलम बहने वाला द्रव पदार्थ कब मार्ग मार्ग अवरोध हुआ तो कोई द्रव बह रहा है उस पर कोई रोग आ गई क्या होगा ये पानी पीछे 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 ऐसे कहीं ना कहीं जम जाएगा और ये संप्राप्ति दीर्घकाल रहती है तो और बलवान रहती है तो शीघ्रता से होगा दीर्घकाल रही है तो व्याप्ति की व्याप्ति बढ़ेगी आपको याद है
2007 में बम्बई में क्या हुआ था, जुलाई क्या हुआ था, पूरे बम्बई में पानी, आधा घंटा पानी क्या गिरा तो पूरी बम्बई पानी में हो गई, इतना इतना पानी था। उदरी के विशेषतर मार्गोरोधा पहुंच जो समुद्र में पानी जाने वाला था वो नहीं जा पाया क्योंकि समुद्र को भरती थी, पानी उल्टा फेंका तो पूरा पानी बम्बई में आ गया। और कहाँ कहाँ गया, बस में, दो मंजिले बस में से एक मंजिल, एक मंजिले बस, दो मंजिले में से एक मंजिला पानी में, चार मंजिले मकान को दो मंजिले पानी में, रोड में इतना पानी, ये बम्बई पूरे बम्बई में हुआ है, ये केवल गिरगांव में नहीं हुआ, ये थाना में हुआ, मुरू में हुआ, घाटों पर भी हुआ, मीरा रोड में हुआ, वसई में हुआ। इसको कहते हैं उदी लेते भसुतरम मार्गोरोधा वह जलम। और ये जो व्याप्ति बनी पूरे बम्बई में, ऐसी व्याप्ति पूरे शरीर में होनी अपेक्षा है, और इस व्याप्ति यदि होती है तो उस अवस्था का नाम है विश्व व्रजन। लिख लो, ये जो उदीरिते भस्य धर्म है, उदीरिते भस्य धर्म मार्गरोधा वह जलम, यह बहने वाला पानी विश्व व्रजन होता है, यानी शरीर में जमा होता है, पूरे शरीर में जब फैलना प्रारंभ होता है। जो सन्यासी होते हैं ना, एक जगह रुकते नहीं है, उनको परिव्राजक कहते हैं, घूमने वाले, ऐसे ये पूरे शरीर में फैलता रहता है, इस अवस्था का नाम है विश्व व्रजत। संवृद्धः उदीरयते वृषतरम, उसके बाद का वाक्य क्या हुआ, विश्व व्रजति। देखिए उसी अध्याय में श्वास संप्राप्ति का एक श्लोक है अलग, सूत्र नंबर 45। यदा श्रोताओं से समृद्ध, उसी चिकित्सा स्थान श्वास में, सूत्र 45। यदा श्रोताओं से समृद्ध मारुतः कफ पूर्वक विश्व प्रजति समृद्ध, आया शब्द विश्व प्रजति की टीका देखो, विश्व प्रजति इति सर्वतः गच्छति, उनको देखने दो, मिला सर्वतः गच्छति। और ये सर्वदा गच्छती होने वाला, ये दूसरी अवस्था, ऊपर की एक अवस्था विश्व प्रजति। पहले क्या हुआ, उदक में श्रोतरो, उसके बाद क्या हुआ, उदीरिते वसुधरम, उसके बाद क्या हुआ, विश्व प्रजति। अब उसके बाद उरस्था कुरुते श्वासम, अब ये पानी कहाँ गया, फैलते फैलते उरस्थान में गया, श्वास हो गया, चिकित्सा किसकी करो, उदक वह हमें जिसने अवरोध किया है उसकी। उदक वह हमें जिसने अवरोध किया है उसकी, इसका नाम है योग संप्राप्त, योग तंत्र। कितने वाक्य बनाए हमने, पुरस्कार प्रत्येक श्वासन पहला अंतिम वाक्य था, अंतिम संप्राप्ति थी, उसके बाद पहला वाक्य क्या है, प्राणोदकांड है, तो उसमें प्राणवह में अथवा उदकवह में अथवा रसवह में अथवा रक्तवह में अथवा स्वेदवह में अथवा लसिकावह में अथवा अर्थवह में कहीं भी अवरोध होता है तो ये वायु उस द्रव को शरीर में फैलाता है, ये दूसरी अवस्था में। और ये विरुद्ध गति से उबला हुआ पानी पूरे शरीर में फैलता है, इसको कहते हैं विश्व प्रजति संवृद्धः। और ये विश्व प्रजित अवस्था में जो पानी है, जो द्रव है, जो श्लेष्म है, जब वो उरस्त होता है तब क्या करता है, श्वास, इसको कहते हैं श्वास के संप्राप्ति, योग तंत्र। आया ध्यान में, इतनी आपको संप्राप्ति रचना करनी पड़ती है तब संप्राप्ति समझते हैं आप। यानी अवरोध हुआ कहाँ पर, उदक में, फिर वो पानी शरीर में फैला, फैलते फैलते उरस्थान में आया, उरस्थान में आकर वही अवरोध किया, उसका नाम श्वास है। संप्राप्ति का प्रारंभ उरस्थान में नहीं है। इस प्रकार आपको प्रत्येक रुग्ण में संप्राप्ति योग तंत्र से लगा निर्माण करनी पड़ती है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। इस प्रकार योग तंत्र युक्ति से आपको
क्रमशः कुछ सिद्धांतों को लगाकर सिद्धांत एस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसका नाम है योग तंत्र, योग युक्ति है। आया ध्यान? कठिन है, समझ में नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन हो गया, फिर क्यों बोलते हैं, ये क्यों डिस्टर्ब क्यों, ऐसे कुछ हो सकता है ये मन में विचार आना, इतना गंभीर विषय है, ये कभी सोचा ही नहीं था हमने। आया श्वास, श्वास कुटा बस, ये शास्त्र है, एविडेंस बेस्ड शास्त्र, इसलिए तंत्र युक्ति आना चाहिए। मैंने जब किताब लिखी एक, उसमें लिखा योग तंत्र युक्ति लिखा और उसको उदाहरण दिया, तो एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया या फेसबुक पर आया, थोड़ी तरी फेसबुक, तो उसने मुझे लिखा नहीं कुछ, लेकिन उसने अपने फ्रेंड को लिखा, ये विश्व प्रजाति कई बार सुन रहे थे, उसको आस रस में आया क्या होता है, कैसे होता है विश्व प्रजाति समृद्ध तदाश्वासन करो विषय। और ये जब मेरे समझ में आया ना, तो जो आनंद हुआ वो अवर्णनीय आनंद था, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। और ये क्यों आया, तो एक लगन सी लगी है शास्त्र समझने की, मैंने आश्वासन दिया था हमारे गुरु को, मैं समझूंगा और समझाऊंगा, इसलिए वो लगन लगी। तो इस प्रकार मैं आपको अब बहुविधम परीक्षा कैसे किया, उसकी योग संप्रप योग तंत्र युक्ति से उसका प्रचार आपको करनी है। मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, तंत्र युक्ति आप लगाओगे, क्रम कैसा हुआ होगा, क्रम कैसा हुआ होगा। देखिए ग्रंथकार क्या कहते हैं, अपने विमान स्थान के आठवें अध्याय में 11वां श्लोक पढ़े थे, क्या लिखे सर्वेषां विकाराणाम अपि विकाराणाम, सर्वेषां अपि विकाराणाम कशामध्ये विमानात विमान दोन, सर्व विकाराणाम अपि विमान दोन, हेतु व्याधि विपरीतम विमानस्थान अध्याय दो सूत्र नंबर 13 पेज नंबर 239, सर्व विकाराणाम अपि च निग्रहे हेतु व्याधि विपरीतम औषधम इच्छन्ति कुशला। अब इसके ऊपर का जो वाक्य है अवप्रसूयानाम विकाराणाम अपतर्पण निवारो, ऐसा वाक्य है ना कुछ, उसको पढ़े। आम प्रदोष जानाम पुनर्विकाराणाम अपतर्पणेन एव उपरमः भवति। हाँ आगे, सती अनुबंधे तु यदि अपतर्पण करने के बाद भी शेष रहता है तो क्या करना है, व्याधीनाम निमित्त विपरीतम अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एव अवचर, व्याधि विपरीत चिकित्सा बाद में करनी है, ये क्रम दिया है। अब इसके बाद का जो वाक्य है इसमें क्रम नहीं दिया है, इसको विधान तंत्र युक्ति कहते हैं। पहले जो वाक्य दिया है वो कैसे दिया है, पहले हेतु विपरीत बाद में व्याधि विपरीत, उस क्रम को यहां लगाना है, इसको कहते हैं विधान तंत्र युक्ति। पढ़ो, सर्व विकाराणाम अपि च निग्रहे हेतु व्याधि विपरीतम औषधम इच्छन्ति कुशलम्। यहां कैसे लगाना है, पहले हेतु विपरीत बाद में व्याधि विपरीत, इसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने पहले व्याधि विपरीत करके देखा है, राइट, विपरीत करके देखा है ना, नहीं तो कैसे लिख सकते थे, टेंडेंसी क्या है, पहले व्याधि विपरीत, शूर है गोली दलो, छर्दी है उमेद दलो, रक्त जा रहा एडिनेलिन सर दे, ऐसे कहते हैं टेंडेंस। ये कब लिखा, जब ये देखा व्याधि विपरीत तो कर ही रहे हैं, लेकिन रोग फिर होता
तब प्रश्न पड़ा उनको, व्याधि परित तो हम कर रहे हैं, समय के लिए फल मिलता भी है, दूसरा व्याधि होता है या तो वही व्याधि फिर होता है, जैसे प्रतिष्ठा साल में दो बार होता है, छह छह महीने टिकता है, चिकित्सा चलती है, व्याधि परित चलती है, नाक में कुछ दवा डालो, वो क्या कहते हैं उसको, एंटी एलर्जिक रोग चलते रहता है, व्याधि विपरीत। अब ये ऐसे करने के बाद उनके ध्यान में आया कि व्याधि विपरीत होता है, रोग तो ठीक होता है, फिर कुछ गड़बड़ रहती है, पेशेंट स्वस्थ नहीं है। तब उनके मन में प्रश्न आया, व्याधि होता ही क्यों है? प्रश्न क्या है, व्याधि क्यों होता है? ये प्रश्न आज भी है मॉडर्न साइंस केस में, व्याधि क्यों होता है? इडियोपैथिक पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन, एटियोलॉजी अननोन, अर्टिकेरिया हो रहा, एलर्जी है, पता नहीं कैसे कम हुई, वो हिट्रोजन खाते रहो चालू साल, क्यों पता ही नहीं है क्यों हो रहा है। तब उन्होंने शोध लिया व्याधि क्यों होती है, तब उन्हें पता लगा कि व्याधि करने वाला कोई शरीर में है, उसका नाम है वात पित्त श्लेष्मा। इसलिए उन्होंने क्या लिखा 23वें अध्याय में सुश्रुत के 24 चैप्टर में, दोषा एवं सर्वेषां रोगाणां एक कारण, इस सिद्धांत वाग्भट, इस सिद्धांत बनाया अकस्मात स्वर्ग से नहीं आया, व्याधि प्रतिनिधि करते 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 थक गए, देव उपासना करते करते थक गए, अथर्वण शांत करके थक गए, अब सोच में पड़ गए व्याधि क्यों हो रहा है। तब उन्हें पता लगा कि दोष एव ही सर्वेषां रोगाणां एक कारण, दुष्ट पड़त हुआ था। सुश्रुत संहिता में जो सूत्र है वो सूत्र स्थान अध्याय 24 सूत्र क्रमांक 8, यहाँ की किताबें बदल गई है, बदल गई ठीक। सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्माण एव मूलं तत् लिंगत्वात् दृष्टफलत्वात् आगमात् च। दृष्टफलत्वात् देखा है, एविडेंस बेस्ड है, इनकी चिकित्सा करने से रोग दृष्टफलत्वात्, इनकी चिकित्सा करने से रोग ठीक होता है। इसलिए तो लिखा है विपरीत गुण द्रव्य ही देश कालोपाजित ही विकारा विनिवर्तन्ति शब्द सम्मता है, दोषों की चिकित्सा करो तो रोग अपने आप शांत होते हैं। ये वाक्य लिखा है ना उन्होंने, ये कब लिखा है, ये तब लिखा है जब दोषों की विपरीत चिकित्सा करके देखी। चरक 18 चरक सूत्रस्थान अध्याय 20 महारोगाध्याय सूत्र नंबर 4 निजस्य तु मुखम वातपित्त शुष्मणा वैष्णव नहीं वातपित्त होता है नहीं वात महारोगाध्याय हाँ महारोगाध्याय सर्व विकार निज विकार न अन्यत्र वातपित्त 19 अष्टोदरीय अध्याय 19 सूत्रस्थान अध्याय 19 सूत्र है 5 पेज नंबर 111 सर्व एव निजा विकारा न अन्यत्र वातपित्त कफेभ्यो निवर्तन्ते। अर्थ समझ में आया, सभी निज विकार बिना वातपित्त प्रकोप के हो नहीं सकते, इस सिद्धांत उन्होंने बनाया। कब बनाया, व्याधि विपरीत करने के बाद, चिकित्सा करते गए चिकित्सा करते गए, नाक में दवा डालते गए, लेप लगाते गए,
शूलश्चूलहरवटी लेते गए, फिर भी व्याधि ठीक नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य नहीं आ रहा है, एक एक व्याधि बढ़ती जा रही है। तब ध्यान जाए करने वाला कौन है, इसको देखेंगे। तब उनको पता लगा करने वाला कौन है, दोष है। यानी दोष एव सर्वेषां रोगाणां एक कारणम, इस सेंटेंस को उन्होंने दृष्ट फलत्वात् एस्टैब्लिश किया। दोष ही सब विकार का कारण है, दृष्ट फलत्वात् एविडेंस बेस्ड है, दोष ही कारण है निज विकार का। अब मुझे प्रश्न पड़ता है क्या हमारा विश्वास है इस बात पर, इस वाक्य पर हमारा विश्वास है? यदि होता तो हमारे MD PhD नवायस लोह पांडु रोग में ऐसा नहीं करते। अम्ल पित्त अम्ल की चूर्ण ऐसा नहीं करते हैं, हम विचार दोषों का करते थे, हम ध्वजों का कर रहे हैं, हम व्याधि विपरीत कर रहे हैं, भूल गए हैं। दोषा एवं सर्वेशा रोगाणाम एक कारण, इस सिद्धांत उन्होंने एविडेंस बेस्ड बनाया हुआ है। आपकी नींद चल गई ना, या अभी आ रही है? पीछे पीछे नींद उड़ गई ना, ठीक है। उन्होंने फिर दोषों की चिकित्सा करने चिकित्सा का ये किया, उनमें उनको ध्यान में आया दोष कैसे बढ़ते हैं, सामान्य वृद्धि कारण, तो उसके ऊपर ही चिकित्सा करना प्रारंभ किया, यश मिलते गए। रास हेतु विशेषश्च, दोष समान गुण से बढ़ते हैं ये ध्यान में आया। ऋतुमान ऋतु से देखा, ग्रीष्म ऋतु में वात प्रकोप होता है, शरद में पित्त प्रकोप होता है, वसंत में श्लेष्मा प्रकोप होता है, सामान्य वृद्धि कारण न्याय से इसकी विपरीत चिकित्सा करना प्रारंभ किया। सिद्धांत पता था उनको, रहस्य हेतु विशेषश्च, इसलिए दोष विपरीत चिकित्सा प्रारंभ की। दोष विपरीत चिकित्सा प्रारंभ तो की, फल भी मिलने लगा, लेकिन ये ध्यान में आया कि पेशेंट चिकित्सा जब बंद कर देता है तो उसको दोबारा व्याधि होता ही है घर जाने के बाद। तब ध्यान में आपकी गलती है, फिर नियम किया त्यागा विषम हेतु नाम विषम अनाथ वर्तन्ते। चिकित्सा सूत्र 16, सूत्र स्थान 16 चैप्टर, त्यागा विषम हेतु नाम विषम अनाथ वर्तन्ते, सूत्र नंबर 36 पेज नंबर 98, त्यागात विषम हेतुनाम समानाम च उपसेवनात विषमानानुबध्नंती। इसकी टीका देखो, विषमानानुबध्नंती, टीका में नीचे से दूसरी लाइन, विषमानानुबध्नंती इति हेतु अभावात विषम संतानस्य उत्पादः न भवति। दोषों का निर्माण नहीं हो रहा, अब तक क्यों हो रहा था चिकित्सा करने के बाद भी हेतु बंद नहीं किए थे, अब हेतु बंद करना शुरू किया, हेतु बंद करके उसके विपरीत चिकित्सा करना शुरू किए, अब जाकर रोग भी शांत होने लगे। इसलिए क्या नियम किया, दोष शांत होने के बाद विकार स्वयं शांत होते हैं। विपरीत गुण ही द्रव्य देश कालोपाजित ही विकाराहा, दोष नहीं कह रहा वो, विकाराहा मिनिवर्तन्ते साध्य सम्मता। कहां पर है श्लोक? पहला अध्याय, पहला अध्याय है। विकार शांत होते हैं, कर्म कैसे हैं ध्यान में, दोषों का प्रकटीकरण किया, दोष चिकित्सा किए रास हेतु के आधार पर, अब फिर भी जब ठीक नहीं हो रहा है, अब क्या ध्यान में है, कहीं ना कहीं हेतु अभी भी चल रहे हैं, और जब हेतु त्याग किया
तो विकार अपने आप हेतु विपरीत सेवन से अपने आप शांत होने लगे, ये अंतिम सिद्धांत बना है। और आखिर में एक सिद्धांत बताया अंतर 16। उसी अध्याय में 16 चैप्टर सूत्र स्थान का सूत्र नंबर 27, जायन्ते हेतु वैषम्यात विषमा देह धातवः हेतु साम्यात समाहतेषां स्वभाव उपरमः सदा। यानी अब इसपे ये शब्द है जायन्ते धातवः विषमः, क्या वाक्य हेतु वैषम्यात विषमा देह धातवः, हेतु वैषम्य सामासिक शब्द है, हेतु वैषम्य दोषान विषमं करोति हितवम हेतु वैषम्य दोषान विषमं विषमं दोषं विषमं करोति इति वैषम्य हेतु वैषम्य, ये जो हेतु दोषों को विषम करते हैं उसको हेतु वैषम्य कहते हैं। कैसे सामने कहा है, जो दोषों को सामने करते हैं उसको सामने हेतु कहते हैं। इस प्रकार दोषों का सामने करने वाले हेतु का सेवन किया और दोषों का वैषम्य करने वाले हेतु का त्याग किया, उसके बाद क्या कहें रोग स्वयं शांत होता है, सेल्फ लिमिटेड है, उसका पोषण बंद कर दो स्वयं शांत होता है। और इसके बाद एक नियम किया, यदि शांत नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, अब व्याधि विपरीत करना है। इस क्रम से इन्होंने अध्ययन किया है और फिर शास्त्र निर्माण किया है, इसको कहते हैं योगतंत्र युक्ति। अब क्रम लगाओगे कैसे लगाना है, इस क्रम से बना है, इस पे और आगे जाएंगे, जाऊं आगे थोड़ा या यही बन पड़ो। देखिए त्यागा विषम हेतु नाम साम्यानाम सेवना, ये तो होता ही है, ध्यान में आया क्या हेतु सामने करने वाले प्रस्तावित करने वाले हैं, आहार सेवन किया औषध दिए हेतु विपरीत दिया, दोष प्रकोप करने वाले हेतु बंद कर दिए रोग ठीक हुआ, किंतु वही दोष दूसरा व्याधि करने लगे, वही दोष दूसरा व्याधि करने लगे। जब तक शमन किया था तब तक ठीक थे, ऋतु बदल गया व्याधि करने लगे, फिर शमन किया ठीक हो गया ऋतु बदल गया दूसरा व्याधि। इस प्रकार दोषों का बल यदि बलवान है, हेतु यदि बलवान है, तो वे दोष शमन से साध्य होने वाले नहीं है। इसलिए क्या नियम किया उन्होंने, बलवान दोषों में क्या करना है, तुरंत चिकित्सा करना है, ये नियम बना है। देखिए कल्पस्थान दुर्बलों की महादोष हो, कल्पस्थान अध्याय 12 सूत्र क्रमांक 69 12/69 कल्पस्थान में पेज नंबर 674 दुर्बलोपि महादोषो विरेच्यो बहुशा अल्पशाह मृदुभिः भेषजैः दोषाः हन्युः हि एनम् अनिरुतः। यदि बलवान दोषों को आप नहीं निकालते हो तो क्या करेंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे, इसलिए उनको निकालना अनिवार्य है। इसलिए वाक्य कैसा है, दुर्बलों की व्यक्ति दुर्बल है, महादोष है, हेतु बलवान है, दोष बलवान हुए हैं,
विरेचो, उसको शोधन देना है। कैसे देना है? अल्पशा और बहुशा, बहुशा थोड़ा थोड़ा बार बार, यानी शोधन करना है ये पक्का। दुर्बल में भी करना है ये पक्का, और दुर्बल में करना है इसका दूसरा अभिप्राय क्या हुआ? बलवान विपर्य से, बलवान में तो करना ही है, आप भाग नहीं जा सकते, यदि भागते हो तो आप चोर है। देश तो तस्कर होते हैं। इस प्रकार ये शास्त्र भिन्न भिन्न चिकित्सा करते हुए इस निर्णय पर आए हैं कि दोष ही चिकित्सा हेतु है, कारण है, और इनके समान गुणों के हेतु उसके कारण है। उनको बंद करो या भी ठीक होता है, स्वयं ठीक होता है, आवश्यक हो तो चिकित्सा करो, और शीघ्रता से होता है शोधन करो, छोड़ा से कल चिकित्सा करो तो शीघ्रता से होता है। हेतु त्याग करो, नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है। त्यागात विषमा हेतु नाम विषमा नाम वर्तनते, इसका विपर्य क्या हुआ? विषम हेतु का त्याग नहीं करोगे तो व्याधि ठीक नहीं होगा। फिर आप हेतु त्याग करोगे कि नहीं करोगे? हेतु ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? या आया पेशेंट देश वास कोटा, नहीं अब हेतु नहीं करोगे, हेतु बंद करोगे, शोधन करोगे, अवश्य हो तो शमन करेंगे, शमन के बाद रोग स्वयं ठीक होता है, नहीं होता है तो व्याधि विपरीत करेंगे, और फिर स्वास्थ्य निर्माण करने के लिए और जो भी प्रक्रिया आपको करनी है, अग्निलिप्त करना है, रसायन करना है, वो भी आप करेंगे। इस प्रकार शास्त्र को उन्होंने विकसित किया है, इसको कहते हैं योग तंत्र युक्ति। आपको इन सब सिद्धांतों को क्रमशः लगाना है, कैसे किया होगा उन्होंने। अब ये दोष सिद्धांत पर कैसे आए, ये विषय कठिन है, इसको फिर कभी देखेंगे। दोष विषय पर कैसे आए, दोषों के सिद्धांत उनके दिमाग में आया कैसे, हाउ टू इमेजिन इट, इसका भी वर्णन करना आवश्यक है, फिर कभी करेंगे। आज यही रुकता हूँ। बहुविधम परीक्षा हो गया, अनेक पद्धति से परीक्षा करके किया है, या जो प्रत्यनिक करके देखा है उससे काम नहीं होता है, दोष प्रत्यनिक करके देखा है उससे काम नहीं होता है, हेतु त्याग करना पड़ता है उससे काम नहीं हुआ, शोधन करना पड़ता है उससे काम हो गया, अब स्वास्थ्य मिलने वाला है। इसलिए षोडश कर्म चिकित्सा से रोग साध्य रोग ठीक होता है, यह अंतिम निर्णय हुआ है। और इदम च न प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष याद हो गया वाक्य, एविडेंस बेस्ड है ये शास्त्र, एविडेंस बेस्ड है, इसको समझो इस तरह से और फिर प्रैक्टिस करो। ऐसा एक भी विकार नहीं है जो साध्य है वो ठीक नहीं होता, यदि नहीं होता है तो गलती हम कर रहे हैं, शास्त्र गलती नहीं कर रहा है। राइट, ओके, थैंक यू। चलो रखा था सर।